मेरे सामने ये जो बटगच है इसको बोलते हैं ओलोटो बटा। इस पत्ता में एक स्पेशलिटी है जो चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक पत्ता ये और एक पत्ता ये है सीधा बट, यानी इसका पत्ता सीधा रहता है। ओलट मतलब पलटी। आप इसका पत्ता को देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। और इसका ज़्यादातर प्रयोग तंत्र विज्ञान में किसी भी प्रयोग को पलटाने के लिए किया जाता है। ये ओलट वर, इसका नीचे का मिट्टी माथे में तिलक करना, गुरु बृहस्पति का समस्या इत्यादि पड़ रहा हो, कुंडली में द्वादश का गुरु हो, अष्टम का गुरु हो, या गुरु कहीं ना कहीं से बुरा फल दे रहा हो, सर से बाल झड़ रहा हो, या फिर गुरुजनित बॉडी में लीवर का समस्या हो, मीठा का समस्या हो, तो ऐसे बट वृक्ष का प्रचंड प्रयोग और उपयोग बनता है। ये हमारे आध्यात्म टूरिस्ट, टूर एंड ट्रैवल्स, यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म में देवगढ़ के अंदर राजाओं के समय से करीब करीब 350-400 साल पुराना ओलट वृक्ष, ओलट बट ये पेड़ देवगढ़ के पूर्णागढ़ नाम का स्थान है। ये मैं जहाँ अभी खड़ा हूँ यहाँ पर ये अवेलेबल है। बहुत सुंदर और पावन, यहाँ पर परिक्रमा करने से और यहाँ ऐसे शक्ति है, जिस शक्ति का आशीर्वाद मिलने से, इस शक्ति का आहरण करने से, इसका परिक्रमा करने से आपके शरीर में रहने वाले हर प्रकार के मैलिफिक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी, ये रिलीज डाउन हो जाता है। तो आप लोग जो हमारे यहाँ पर ओडिशा टूर एंड ट्रैवल्स में आते हो, या स्पिरिचुअल टूरिज्म में आते हो, या इको टूरिज्म में आते हो, तो वेरी रेयर टू रेयर स्पेसिस है ये पेड़, बहुत रेयर है। और इसके पास जाने से ही आपके सारे, देखिए, सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम खड़, इतना एनर्जी इसके अंदर है। और अंदर एक सिहरण होता है, एक करंट चलता है। तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट एंड तांत्रिक बेनिफिट और इसका आध्यात्मिक बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। साथ में इसके पास श्री हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। और देवगढ़ जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ प्रधान पाठ जैसे वाटरफॉल है। हालांकि अभी रात हो गया, हम लोग सुबह इसका वीडियो में जाएंगे। और इसके पास और एक वाटरफॉल है जिसका नाम है गुदगुदा। तो ये दो वाटरफॉल यहाँ पर हैं। और यहाँ एशिया में सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट राजा के समय में ये यहाँ पर बनाया जाता था। और इस पेड़ में आप देखोगे, हालांकि कुछ टहनियाँ और डालियाँ काट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ का ऊर्जा अभी भी अत्यंत मात्रा में है। सो आप लोग जो भी घूमना चाहते हैं आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।